टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 47 वां मैच भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच खेला गया। एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 50 रनों से बाजी मारी। सुपर 8 राउंड में टीम इंडिया की ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया था। बांग्लादेश के खिलाफ मिली जीत टीम इंडिया के लिए काफी खास है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंटो ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। हार्दिक पांड्या के तेज तर्रार अर्धशतक और उनकी अगुवाई में बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने 27 गेंद में 4 चौकों और 3 छक्कों से नाबाद 50 रन बनाए। विराट कोहली ने 37, ऋषभ पंत ने 36 और शिवम दुबे ने 34 रन की पारी खेली। वहीं बांग्लादेश की तरफ से तंजीम हसन साकिब ने 32 जबकि रिशाद हुसैन ने 43 रन देकर 2-2 विकेट छटकाए। 197 रनों के टारगेट के जवाब में बांग्लादेश की टीम 146 रन ही बना सकी। इस दौरान नजमुल हुसैन शांतो ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। वहीं रिशाद हुसैन ने 24 रनों का योगदान दिया। दूसरी ओर टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह भी 2 विकेट छटकाने में कामयाब रहे। हार्दिक पांड्या को भी एक सफलता मिली। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक 49 मैच खेले हैं। इस दौरान उसे 33 मैचों में जीत मिली है और 15 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। बता दें, टीम इंडिया श्रीलंकाई टीम के बराबर पहुंच गई है। श्रीलंका ने भी टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 33 मैच जीते। ऐसे में टीम इंडिया की नजर अब इस रिकॉर्ड तो तोड़ने पर रहने वाली है। हार्दिक पांड्या का धमाल टी20 विश्व कप इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। हार्दिक पांड्या के तेज तर्रार अर्धशतक और उनकी अगुवाई में बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने ICC टी20 विश्व कप के सुपर 8 मैच में 5 विकेट पर 196 रन बनाए। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने 27 गेंद में 4 चौकों और 3 छक्कों से नाबाद 50 रन बनाए। विराट कोहली ने 37, ऋषभ पंत ने 36 और शिवम दुबे ने 34 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की तरफ से तंजीम हसन साकिब ने 32 जबकि रिशाद हुसैन ने 43 रन देकर 2-2 विकेट छटकाए। हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ मेहदी हसन की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर तेवर दिखाए। उसके बाद रिशाद और तंजीम पर छक्के जड़ा और अंतिम ओवर में मुस्ताफिजुर पर 3 चौकों के साथ 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। अपने नाबाद अर्धशतकीय पारी के दौरान 4 चौका और 3 छक्के के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में विश्व क्रिकेट को चौंकाते हुए हार्दिक पांड्या